दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी में। दोस्तों शाहरुख खान की एक नई मूवी जिसका नाम डंकी है वो आने वाली है और ये मूवी 2023 में रिलीज होगी, लेकिन इसकी चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। इस मूवी को राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं। डंकी क्या है अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका का बॉर्डर पार करते हैं, जिसका लिंक हमने आई बटन में दे दिया है। दोस्तों ये वीडियो भी उस वीडियो का ही एक नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में भी हम एक सच्ची घटना लेकर आए हैं। दोस्तों ये कहानी है फगवाड़ा के रहने वाले गुरदीप सिंह की, जो लीबिया देश में कच्ची कंपनी में काम करता था, पर और बड़े देश में जाने की ख्वाहिश ने उसको ऐसे बर्बाद किया जो गुरदीप आज भी नहीं भूल पाया। गुरदीप ने बीच समंदर में 5 दिन बिना कुछ खाए पिए गुजारे, पर इन 5 दिनों में जो जो उसके साथ हुआ वो मौत से कहीं बदतर था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी और नॉलेजबल वीडियोस आप तक लाते रहें। दोस्तों ये बात है 2005 की, जब गुरदीप ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की। गुरदीप के पिता एक छोटी ट्रांसपोर्ट गाड़ी के ड्राइवर थे। घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए गुरदीप ने अपने पिता के जैसे ही ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाना सीख लिया। पर 2 साल इस काम के बाद उसने सोचा कि कब तक वो इतने पैसों से अपने घर का खर्च उठा सकता है, तो घर वालों से बात करके उसने विदेश में जाने की सोची। घर वाले भी हालात देखकर राजी हो गए। गुरदीप उसी साल नॉर्थ अफ्रीका के देश लीबिया चला गया और वहाँ एक अच्छी कंपनी में काम करने लगा। कंपनी के मालिक और स्टाफ काफ़ी अच्छे थे, इसलिए गुरदीप के 2 साल वहाँ कब गुजर गए उसको पता ही नहीं चला। वो हर महीने 18 से 20 हज़ार रुपये घर भेजता, पर वो कहते हैं ना कि इंसान का पेट कभी नहीं भरता। गुरदीप ने सोचा कि वो कब तक इतने कम पैसों से गुजारा करेगा, और वो और पैसा कमाना चाहता था क्योंकि उसकी कंपनी के कुछ लोग डंकी के सहारे थोड़े दिन ही पहले इटली गए थे, जो कि एक शिप के सहारे 14 से 15 घंटों में इटली पहुँच गए। गुरदीप ने पक्का मन बना लिया था और उसके साथ 3 उसके दोस्त भी राजी हो गए। गुरदीप ने उन्हीं लड़कों से फ़ोन पर बात की जो इटली पहुंचे थे। उन लड़कों ने गुरदीप को एक पाकिस्तानी एजेंट का नंबर दिया जो लीबिया में ही रहता था। एजेंट से बात हुई और एजेंट ने इटली बॉर्डर पार करने के लिए $1700 मांगे। गुरदीप और उसके दोस्त मान गए और अगले ही दिन वो चारों कंपनी से बिना कुछ कहे वहाँ से भाग गए। एजेंट के निर्देश के अनुसार वो लीबिया के एक शहर पहुंचे, जहां पर एक गाड़ी उन्हें लेने आई और वो गाड़ी उन्हें एजेंट के पास ले गई। उस पाकिस्तानी एजेंट ने कहा कि वो लोग कुछ दिन वहां उसके पास ही ठहरें, जैसे ही मौसम साफ होगा वो उन्हें शिप में बिठा देगा। 15 दिन 20 दिन महीना बीत गया, पर एजेंट मौसम ठीक ना होने का बहाना लगा देता। गुरदीप को एजेंट पर इसलिए भी विश्वास था क्योंकि उसी एजेंट ने उसके दोस्तों को इटली भेजा था। 2 महीने बीत गए, आखिरकार वो दिन आ गया जब गुरदीप और साथियों को इटली के लिए रवाना होना था। पर जिस दिन गुरदीप वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि जिस पर गुरदीप को सवार होना था वो कोई शिप नहीं थी, बल्कि एक छोटी नाव थी जिस पर 20 से 25 लोग ही बैठ सकते थे, पर जाने वालों की संख्या 40 से 45 थी, जो कि नाव की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा थी, और 15 से 20 कैन पेट्रोल के भी थे जो एजेंट ने नाव में रखवा लिए थे। 45 लोग जिनमें पाकिस्तानी, अफ्रीकन और कुछ 2 और देशों के लोग भी थे, और साथ में 20 कैन पेट्रोल की छोटी किश्ती के लिए ये काफ़ी ज़्यादा वजन था। बिना किसी लाइफ सेफ्टी जैकेट के गुरदीप के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि वो कंपनी से गैर कानूनी तरीके से भागा हुआ था। अगर वो वापस जाता तो कंपनी वाले उसे डिपोर्ट कर देते, और वो इटली भी जाना चाहता था, इसलिए वो नाव पर सवार हो गया। रात के तकरीबन 10:30 बजे वो लीबिया से रवाना हुआ, पर तकरीबन 4 घंटे बाद समुद्र में पानी की तेज लहरें उठने लगी और नाव के नीचे लगी हुई रबर लकड़ी से अलग हो गई, जिसके कारण नाव में पानी भरने लगा। पानी भरने से वहां बैठे लोग डर गए और नाव में हलचल पैदा हो गई, और एक जगह पर सभी लोग इकट्ठे होने के कारण नाव में लगी लकड़ी के फट्टे टूट गए और 14 लोग वही डूब गए और उनकी मौत हो गई। बाकी बचे लोगों ने नाव के आसपास लगी एयर ट्यूब्स और
रस्सियों को पकड़ लिया। इन लोगों में किसी को भी तैरना नहीं आता था और समुद्र की लहरें भी उफान पर थी। नाव का आगे का इंजन का हिस्सा पूरी तरह से समुद्र में डूब चुका था। गुरदीप का पूरा शरीर पानी में डूब चुका था, सिर्फ हाथ और मुंह ही समुद्र से बाहर था। अब उनका रास्ता सिर्फ समंदर तय कर रहा था। वो आगे बढ़ते गए और तकरीबन 9 से 10 घंटे बीत गए और इन घंटों में समुद्र के खारे पानी की वजह से उनके शरीर पर जख्म भी होने लगे। बाकी बचे लोग एयर ट्यूब पर बैठ गए। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। पूरा शरीर पानी के अंदर था और ये डर हमेशा बना हुआ था कि कोई समुद्री जानवर नीचे से उन पर हमला ना कर दे। पर जैसे तैसे रात निकल गई और तीसरा दिन आ गया। गुरदीप ने बताया कि उसके साथ कुछ मुस्लिम लड़के भी नाव में मौजूद थे जो भूख ना बर्दाश्त कर सके और वही अल्लाह अकबर कहकर समुद्र में खुद ही छलांग लगा दी। गुरदीप के सामने उनकी मौत हो रही थी पर वो कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद बस उनकी लाशें ही तैरती हुई दिखाई दी। तीसरे दिन तक सिर्फ 22 से 25 लड़के ही बचे थे, यानी तकरीबन आधे लड़कों की मौत हो चुकी थी। तीसरा दिन भी ढलना शुरू हो गया पर शाम होते होते गुरदीप और साथियों को दूर से रिफाइनरी नजर आई। लड़कों ने वहां तक पहुंचने की कोशिश की पर समंदर की तेज लहरों के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच सके और रिफाइनरी भी उनकी आंखों से धीरे धीरे दूर हो गई। लड़कों का हौसला टूट चुका था। अब चौथे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। इस दिन भी समंदर का कहर जारी था। एक अफ्रीकन लड़का जो पेट्रोल की खाली की हुई कैन के साथ तैर रहा था और दूसरे हाथ से उसने नाव की रस्सी को पकड़ा हुआ था, इसी बीच समंदर की एक तेज लहर उठी और उस अफ्रीकन लड़के के हाथ से वो कैन छूट गई और लड़के के डूबने से उसकी भी मौत हो गई। अब चौथा दिन भी ढल गया और जो लोग बचे थे उनमें 3 भारतीय थे, गुरदीप और उसके 2 साथी। 4 रातें निकल गई थी और 5वें दिन की शुरुआत हुई। इन 5 दिनों में इन लड़कों ने कुछ भी नहीं खाया पिया था। गुरदीप ने सोच लिया था कि अब उनकी मौत पक्की है। उसके साथ सिर्फ 7 से 8 लोग जिंदा बचे हुए थे जिनमें 3 भारतीय जिंदा बचे थे। इतनी मौतों के बाद 5 दिन गुरदीप के लिए राहत भरा रहा। एक शिप उनके पास आया और लड़कों ने उस तरफ इशारा किया। शिप उनके चारों ओर घूमता रहा। शिप में से कुछ आदमी आए और लड़कों की तरफ पीने के लिए पानी की बोतलें फेंकी। लड़कों ने पानी पिया पर वो अब भी समंदर में ही थे। शिप सिर्फ पास खड़ी थी। गुरदीप ने कहा कि आप हमारी मदद करें और हमें शिप में बिठा दें। पर शिप के पायलट ने कहा कि आप लोग गैर कानूनी हो और आपके पास कोई कागजात भी नहीं जिसे ये पता चल पाता कि आप कहां से आए हैं और आपको कहां जाना है। सारी बात शिप वालों पर आ जाती। पायलट ने कहा थोड़ा इंतजार करें। शिप वालों ने लीबिया पुलिस को इसकी सूचना दी और 5 से 6 घंटे के बाद लीबिया के पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और उन्हें वहां से ले गए। एक पुलिस वाले ने लड़कों को शूट करने का भी ऑर्डर दे दिया था पर अंदर से दूसरे पुलिस वाले ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया। जब शिप बंदरगाह पहुंची तो पहले से ही काफी मीडिया कर्मी और पुलिस वाले वहां मौजूद थे। पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुरदीप और बाकी लड़कों के शरीर भी गल चुके थे और 5 दिनों के बाद उनका चलना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए पहले उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। गुरदीप के कपड़े भी गल चुके थे और वहां की पुलिस भी उनसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी। हॉस्पिटल में उन्हें भारत की एक नर्स मिली जिसने गुरदीप की पूरी कहानी सुनी। उसने कहा कि वो कल दोबारा आएगी और उनके लिए खाना और कपड़े लेकर आएगी और वो इतना कह के वहां से चली गई। पर लीबिया पुलिस उसी रात तकरीबन 1 बजे हॉस्पिटल पहुंची और ऐसे ही बिना कपड़ों के गुरदीप और उसके साथियों को गाड़ी में बिठा दिया जिस गाड़ी में कोई सीट भी नहीं थी और उनको जेल में डाल दिया गया। जेल के अंदर उन्हें सिर्फ 1 दिन में 1 ब्रेड का पीस ही दिया जाता था और जो चादर उन्हें ओढ़ने के लिए मिली वो भी बहुत ज्यादा गंदी थी। कुछ दिन बीत गए तब गुरदीप को पता चला कि जेल के अंदर काम करने वाले अफ्रीकन उनके काम आ सकते हैं जो फोन पे उनकी बात कंपनी के लड़कों से करवा सकते हैं। गुरदीप की कंपनी के लोगों से बात हुई और कंपनी ने जेल वालों को कहा कि ये आदमी हमारी कंपनी में ही काम करते थे। इस तरह से गुरदीप की पहचान हुई और जेल वालों ने गुरदीप से कहा कि आप लोग इंडियन एम्बेसी से बात करें। गुरदीप ने इंडियन एम्बेसी से बात की और वहां से एक आदमी उन्हें मिलने के लिए वहां पर आया और उनकी मदद करने का वादा किया। उसने कहा कि वो अपने लिए टिकट का इंतजाम खुद करे। गुरदीप के घर वालों ने
इंडिया से टिकटें भेजी और वो दिन आ गया जब गुरदीप की फ्लाइट थी। गुरदीप और उसके तीन साथी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। अब क्योंकि जल्दी जल्दी में इतना टाइम भी नहीं मिला था और ना ही किसी ने उनकी मदद की। गुरदीप के एक साथी के रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे तो गुरदीप ने वहां रात गुजारी और उसने कई दिनों बाद ढंग का खाना खाया। गुरदीप अगले ही दिन अपने एक साथी के साथ पंजाब के लिए रवाना हो गया क्योंकि उसका तीसरा साथी अपने रिश्तेदार के घर ही ठहर गया था। अब गुरदीप अपने परिवार के पास था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, गुरदीप ने जो किया वो सही तो बिल्कुल भी नहीं था। किसी भी देश में डोंकी लगा कर जाना उस देश को तो बदनाम करता ही है और उस देश के पे भी बात आ जाती है जहां आप काम करने के लिए जाते हो, क्योंकि इससे उस देश के सुरक्षा पर सवाल खड़े उठाते हैं। हम तो आपसे यही कहेंगे कि विदेश जाने के लिए हमेशा कानूनी तरीका ही अपनाएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।